Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of discussing various aims of education, today I am going to discuss training for citizenship, national and emotional integration, and international understanding as the aim of education. Okay? As usual, the lecture will be in bilingual mode and must be useful for various competitive teaching examinations as well as for your general BA, MA and professional B.Ed, M.Ed courses. So, let's start. First of all, training for citizenship. पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी नॉलेज एक्विजिशन और कैरेक्टर बिल्डिंग एज एन एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि ज्ञान अर्जन और चरित्र निर्माण शिक्षा का उद्देश्य. और आज हम बात करने जा रहे हैं कि नागरिकता का प्रशिक्षण, आपका राष्ट्रीय एवं सांवेगिक एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय समझ, ये शिक्षा के उद्देश्य हों तो इन पर क्या बात की जाएगी. देखिए, सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, रादर इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेन्स ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड मैनी ऑफ दी स्ट्रेटजीज यूज टू पास ऑन नॉलेज, स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन आर इक्वली ओल्ड. तो कह रहे हैं कि नागरिकता या नागरिकता के प्रशिक्षण पर बात करना ये कोई नई बात नहीं है, कोई नया संप्रत्यय नहीं है, बल्कि ये मानव सभ्यता, मानव इतिहास, मानव साहित्य, संस्कृति का बहुत पुरानी, मतलब ओल्डेस्ट, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी बातों में से एक है. जब बात की जाती थी कि जो व्यक्ति होना चाहिए वो अच्छा नागरिक होना चाहिए, और उसी तरीके से ज्ञान, कौशल और अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होने की बात भी बहुत सदियों पुरानी है. फिर citizenship education is an ideological and democratic learning so that it is effective in improving the students citizenship competency. कह रहे हैं कि नागरिकता के प्रशिक्षण या नागरिकता शिक्षा जो है is an ideological and democratic learning. देखिए, अच्छे नागरिक की कब जरूरत होगी, जब मतलब इसका बेसिस क्या है, लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र जनता का तंत्र है, तो जो जनता होनी चाहिए वो सजग होनी चाहिए. तो सिटीजनशिप एजुकेशन जो है वो डेमोक्रेटिक और आइडियोलॉजिकल लर्निंग है सो दैट इट इज इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट सिटीजनशिप कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो विद्यार्थी है उसकी जो नागरिकता की दक्षता है वो उसमें सुधार हो सके, उसके लिए सिटीजनशिप एजुकेशन है. सिटीजनशिप एजुकेशन गिव्स पीपल द नॉलेज एंड स्किल्स, मतलब कि ये जो शिक्षा है वो लोगों को क्या देती है, ज्ञान देती है और कौशल देती है. किसके लिए? टू अंडरस्टैंड, जिससे कि वो समझ सकें, चैलेंज, चुनौती दे सकें, एंड इंगेज विद, और इंगेज रहें किसमें, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, यानी कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको चैलेंज भी करें, कुछ हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट भी करें, इंगेज रहें और उसको समझें. इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या आ जाएगा, आपकी राजनीति आ जाएगी, मीडिया आ जाएगा, सिविल सोसाइटी आ जाएगी, आपकी अर्थव्यवस्था आ जाएगी और नियम कानून आ जाएंगे. ठीक है, डेमोक्रेसीज नीड एक्टिव, इन्फॉर्म्ड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि जो उसके नागरिक हों वो सजग हों, क्रियाशील हों, उनके पास सही सूचना हो और वो जिम्मेदार व्यक्ति हों. सिटीजन्स हु आर विलिंग एंड एबल टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्व्स, वो ऐसे नागरिक हो जो इच्छुक हों और योग्यता रखते हों कि वो जिम्मेदारी उठा सकें अपने लिए एंड देयर कम्युनिटीज, और अपने समाज के लिए, एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द पॉलिटिकल प्रोसेस, और जो राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सके. कैसे? हम वोट दे के कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं. सिटीजनशिप एजुकेशन हैज बीन शोन टू बी मेनली एम्ड एट सोशलाइजेशन. तो एक तरीके से देखा जाए तो जो नागरिकता का प्रशिक्षण है या नागरिकता शिक्षा है वो सामाजिकरण, उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिकरण है. इनिशिएटिंग स्टूडेंट्स इनटू ट्रेडिशन, जिसमें कि हम विद्यार्थियों को जो हमारा सोशल ट्रेडिशन है उसके हिसाब से सिखा सकें. इंटरनलाइजिंग रूल्स, वो नियमों को का आंतरिकरण कर सकें, सोसाइटल नॉर्म्स का, वैल्यूज का. इट इनेबल्स स्टूडेंट्स टू मेक अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन बाई डेवलपिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू क्लेम देयर राइट्स एंड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. देखिए, हम लोग अधिकतर अधिकारों की बात करते हैं और जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, तो हमको अपने इतना हमारे पास ज्ञान हो कि हम अपने राइट्स को क्लेम कर सकें, अपने अधिकारों के लिए सजग हो सकें और अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ सकें. इट प्रिपेयर्स देम फॉर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एडल्ट एंड वर्किंग लाइफ. और जो नागरिकता का प्रशिक्षण है या जो नागरिकता शिक्षा है वो हमको तैयार करती है कि हम अपने वयस्क और जो हमारा आगे का जीवन है उसकी चैलेंजेस, उसकी चुनौतियों और अवसरों के लिए हमको तैयार करती है. ठीक है, और क्या है ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप? Education for democratic citizenship means education, training, dissemination, information, practice.
practices and activities which aim by equipping learners with knowledge, skills and understanding and molding their attitudes and behavior to empower them. एक ही लाइन में देखिए इतनी लंबी, टू एम्पावर देम टू एक्सरसाइज एंड डिफेंड देयर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सोसाइटी. यानी कि हमको शिक्षा देगी, हमको प्रशिक्षण देगी, सूचनाओं का प्रसारण किया जाएगा, हम अभ्यास करेंगे, हम एक्टिविटीज करेंगे जिनका उद्देश्य क्या है कि जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, वो उसको मिल जाए, क्या मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, कौशल मिल जाए, समझ मिल जाए, जिससे वो अपना व्यवहार और एटीट्यूड मोल्ड कर सके. क्यों मोल्ड कर सके? ताकि वो एम्पावर हो सके, सशक्त हो सके अपने एक्सरसाइज करने के लिए. कौन सी एक्सरसाइजेस? अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को डिफेंड करने के लिए और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको सोसाइटी ने दी है उनको निभाने के लिए. टू वैल्यू डाइवर्सिटी, समाज में जो विभिन्नता है उसको हम मूल्य दे सकें. एंड टू प्ले एन एक्टिव पार्ट इन डेमोक्रेटिक लाइफ, और जो हमारा हमारे इर्द गिर्द जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें हम एक एक्टिव पार्ट प्ले कर सकें. विद अ व्यू टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ, और उस सबके पीछे उद्देश्य क्या होगा कि हम जो लोकतंत्र है उसकी रक्षा कर सकें, उसमें उसके सुधार में योगदान कर सकें और जो नियम है उनकी रक्षा कर सकें. समझ रहे हैं कितना कितना खास और कितना विशद और कितना गहन है ये? ये कहने में ऐसा है कि हम राइट्स को क्लेम कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकें, ये उतना ही कठिन है. हम सब जानते हैं कि कितना मुश्किल है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में बैलेंस बनाना. और वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ सिटीजनशिप एजुकेशन इज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद बेसिक नॉलेज ऑफ फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द कम्युनिटीज इन विच दे लिव. Citizenship education strives to teach new generations the principles, obligations, responsibilities and privileges of citizenship. यानी कि जो नागरिकता शिक्षा है वो बच्चों को आने वाली जो generation उसको क्या सिखाती है? उसको सिद्धांत बताती है, उसको obligations बताती है, उसको जिम्मेदारियां बताती है, उसको विशेषाधिकार बताती है. किसके? Citizenship के. Up to date knowledge of issues from local to global helps equip students to work towards solving future problems in the best possible way. This knowledge can also strengthen students' sense of community and belonging to their country. ये ज्ञान जो है हमको एक community का sense देता है कि हम सब इसी लोकतंत्र के हिस्से हैं और हम देश के प्रति हम belongingness महसूस करते हैं कि ये देश का है, यानी कि हमारा है, यानी कि हम उसको उसकी ऐसी ही रक्षा करनी है जैसे हम अपने सामान की रक्षा करते हैं. ठीक है, फिर देखिए ये तो पुराना है, ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप की तो बहुत पहले से बात हो रही है. एनईपी 2020 ने इसको एक ट्विस्ट दे दिया है और इसको ग्लोबल सिटीजनशिप का नाम देकर, आप अगर एनईपी 2020 आपने पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा कि ग्लोबल सिटीजनशिप की बात की गई है. The vision of the NEP 2020 is to instill among the learners a deep rooted pride in being Indian. ये जो बात करता है हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बात करती है कि हमको जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर एक डीप रूटेड प्राइड जगाना है कि हम भारतीय हैं. नॉट ओनली इन थॉट, सिर्फ हमारे विचारों में नहीं, बट ऑल्सो इन स्पिरिट, इंटेलेक्ट एंड डीड्स, यानी कि हमारी आत्मा में, हमारे बुद्धि में, हमारे कार्यों में सब झलकना चाहिए वो प्राइड कि हम भारतीय हैं. एज वेल एज टू डेवलप नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड डिस्पोजिशंस दैट सपोर्ट रेस्पॉन्सिबल कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लिविंग इन ग्लोबल वेलबींग, thereby reflecting a truly global citizen. यानी कि हमको अपने देश के प्रति प्राइड शो करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल कॉज के लिए, बड़े कॉज के लिए भी अपना कंसर्न शो करना है. यानी कि हमको एक ग्लोबल सिटीजन बनना है क्योंकि अब दुनिया जो है वो एक जगह केंद्रित हो गई है, एकदम ग्लोबल विलेज की बात की जाती है ना, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हम किसी से अछूते नहीं है. The NEP 2020 further notes that as the world is becoming increasingly interconnected, यानी कि NEP 2020 कह रही है कि जो संसार है वो कितनी तेजी से एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है, यानी कि कहीं भी हम एक दूसरे से कटे नहीं है. दुनिया के किसी भी हिस्से में कुछ होता है, पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है. तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी ग्लोबल चैलेंजेस विल बी प्रोवाइडेड टू एम्पावर लर्नर्स टू बिकम अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड ग्लोबल इश्यूज एंड टू बिकम एक्टिव प्रमोटर्स ऑफ मोर पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव, सिक्योर एंड सस्टेनेबल सोसाइटीज. द एनईपी 2020 फर्दर नोट्स, यानी कि एनईपी 2020 ने कहा कि चूंकि दुनिया इतनी ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसलिए ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन उसका एक रेस्पॉन्स हो सकता है जिससे कि हम बच्चों को ग्लोबल चैलेंजेस के लिए तैयार करें और उनको जितने ग्लोबल इश्यूज हैं उनको वो समझ सकें और वो एक्टिव प्रमोटर बन सकें किस तरीके की सोसाइटी के लिए, यानी कि हमारा जो समाज है वो ज्यादा पीसफुल हो, ज्यादा टॉलरेंट हो, ज्यादा इंक्लूसिव हो, ज्यादा सुरक्षित हो, ज्यादा सतत हो.
NEP 2020 highlights certain aspects which have a direct linkage with citizenship education. It points out that towards the attainment of a holistic and multidisciplinary education, the flexible and innovative curricula of all higher education institutions shall include credit-based courses and projects in the areas of community engagement and service, environmental education and value-based education. He is saying that citizenship education is this way, that you जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज चलाइए, किस एरिया में, कम्युनिटी इंगेजमेंट के क्षेत्र में, कम्युनिटी सर्विस के क्षेत्र में, एनवायरमेंटल एजुकेशन के क्षेत्र में, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के क्षेत्र में. ठीक है, सॉरी. फिर ग्लोबली द प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू द ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन इज गाइडेड बाय द एसडीजी 4. देखिए, बहुत ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात होती है जिसमें से जो गोल नंबर 4 है, स्पेशली टारगेट 4.7 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, वो क्या कहता है, विच कॉल्स ऑन कंट्रीज टू, यानी कि देशों को करना चाहिए क्या, to ensure that all learners are provided with the knowledge and skills to promote sustainable development, including among others through education, for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of cultures contribution to sustainable development. यानी कि जो आपका ये जो SDGs हैं, sustainable development goals हैं, उसमें भी goal number 4, especially 4.7 ये कहता है कि शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए कि जो learners हैं उनके अंदर ग्लोबल सिटीजनशिप का भाव जागृत हो. तो हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट से लेके वन ऑफ द यू कैन से लेटेस्ट एम है एजुकेशन का. ओके, फिर बात आती है नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन की, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें राष्ट्रीय और सांवेगिक रूप से जोड़ के रखे, एकीकरण हो, हम एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करें. नेशनल इंटीग्रेशन कैनॉट बी बिल्ट बाई ब्रिक एंड मोर्टार. ये राधा कृष्णन जी का सेंटेंस है, वो कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय एकीकरण है वो ब्रिक और मोर्टार से नहीं आएगा, मतलब ईंट भट्टी से नहीं आएगा. इट कैनॉट बी बिल्ट बाई चीजल एंड हैमर, आप इसको हथौड़े छेनी से नहीं बना सकते. इट हैज टू ग्रो साइलेंटली इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ मैन. वो कह रहे हैं कि ये वो चीज है जो साइलेंटली चुपचाप ग्रो करेगी लोगों के दिल और दिमाग में. द ओनली प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. और कौन कर सकता है ये काम, सिर्फ शिक्षा कर सकती. According to National Integration Committee, National Integration is a psychological and educational process involving the development of a feeling of unity, solidarity and cohesion in the hearts of the people, a sense of common citizenship and a feeling of loyalty of the nation. Yani ki hum common citizenship feel kare, ye na ki hum uttar ke hain aap dakshin ke hain, hum purab ke hain pashchim ke hain, hum ye bhasha bolte hain aap wo bhasha bolte hain, ye nahi. Ek common citizenship ki feeling honi chahiye, nation ke prati loyalty ho, to एक एकता का भाव हो, एक सुदृढ़ता का भाव हो, एक 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 आपस में हम कसाव महसूस कर रहे हैं, वो नेशनल इंटीग्रेशन है. कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडरिटी, अवर गवर्नमेंट फॉर्म टू कमिटीज, श्रीमती इंदिरा गांधी एंड डॉक्टर संपूर्णानंद वर्दी चेयरमैन ऑफ दीज टू. यानी कि ये महसूस किया गया कि देश में राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए, तो कमेटी बनाई गई, संपूर्णानंद साहब जी को उसका चेयरमैन बनाया गया. द कमिटी रिकमेंडेड दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड नॉट बी merely to give or exchange knowledge. कमेटी ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान को देना या ज्ञान का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, but also to bring about the all-round development of personality of the students. बल्कि बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए. Through the medium of education, शिक्षा के द्वारा the qualities of sacrifice, बलिदान, intolerance, सहन शक्ति should be evolved in the students' behavior. बच्चों के व्यवहार में, यानी कि जो शिक्षित बच्चा है उसके अंदर बलिदान की, सहने की, सहनशीलता, ये सब भाव जागृत होने चाहिए. फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी जागृत होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता की भावना. एजुकेशन इज अ ग्रेट फोर्स एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि शिक्षा वो ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जागृत कर सकते हैं. एजुकेशन शुड टेक अप द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनकल्केटिंग ए सेंस ऑफ लव एंड डिवोशन टू वंस कंट्री एंड इंस्टिलिंग द फीलिंग ऑफ वननेस इन द माइंड्स ऑफ द पीपल. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो ये कमेटी बनाई गई उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि आप कैसे नेशनली और इमोशनली बच्चों को इंटीग्रेट कर सकते हैं. वो कह रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि उन्हीं शैक्षिक संस्थाओं को आप रिकॉग्नाइज कीजिए जिनमें किसी तरीके का भेदभाव ना होता हो, सबको एक समान समझा जाता हो, बेसिस ऑफ एडमिशन प्योर हो, पायस हो, ट्रांसपेरेंट हो, है ना. ऐसा नहीं कि आप इस तरीके के बच्चों को एडमिशन देंगे, ऐसे वो नहीं देंगे, आप उसमें कोई डिमार्केशन मत लगाइए,
स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म एक तरीके का इंटीग्रेशन है, हम इस स्कूल के बच्चे हैं, सब एक जैसे यूनिफॉर्म पहने, आप किसी भी जाति धर्म गरीब अमीर कुछ भी हो, ओथ टू बी टेकन बाय द स्टूडेंट, सभी बच्चे हम लोग अपने स्कूलों में प्रतिज्ञा लेते हैं ना, हम भारतवासी, भारत के बच्चे ये प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा करके चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में सब जगह ली जाती है, जिससे एक वननेस की फीलिंग आए। नेशनल एंथम हम सब लोग गाते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमको सम्मान करना सिखाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, एग्जीबिशन ऑफ फिल्म एंड ऑर्गेनाइजिंग टूर्स, हमको राष्ट्रीय देशभक्ति की फिल्में दिखाई जाएं, टूर्स इस तरीके की जगहों पे आयोजित किए जाएं जिससे अंदर हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसको इस तरह से पुनः संगठित किया जाए जिससे कि हमारे अंदर मतलब ये नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन की भावना को और बेहतर तरीके से इनकलकेट किया जा सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस इस कमेटी के। फिर अकॉर्डिंग टू द इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी रिपोर्ट, 1 मिनट, यस, अकॉर्डिंग टू द इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी रिपोर्ट, द एट्रीब्यूट्स ऑफ नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन आर एज फॉलोज, यानी कि इस कमेटी ने ये भी बताया कि वो कौन से गुण हैं जो अगर हम बच्चों में डेवलप कर सके तो कहा जा सकता है कि उनके अंदर राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण की भावना कुछ कुछ डेवलप हो गई है। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड नेशन हो, वह आपस में भाईचारे का भाव हो, राष्ट्र के प्रति आप सम्मान हो, है ना, कॉमन मेंटल बॉन्ड, एक तरीके का मानसिक हम बॉन्ड फील कर सकें, क्रिएशन ऑफ ए फीलिंग ऑफ वननेस, एक एकता की भावना का विकास, ए हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ पर्सनल इमोशन इन एन इंडिविजुअल विद इट सोशल ऑब्लिगेशन, देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी कि इसमें सामंजस्य हो जाए कि हमारा जो मतलब हमारा जो पर्सनल जो सुख है, जो पर्सनल इमोशन है, जो पर्सनल हमारा मतलब हित है, और जो सोशल ऑब्लिगेशन है उसमें एक बैलेंसिंग हो जाए, ए फीलिंग ऑफ हारमनी, एक सामंजस्यपूर्ण हम व्यवहार एक दूसरे के साथ करें, अफर्म कन्विक्शन ऑन द पार्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल दैट ही इज एन इंटीग्रल कॉम्पोनेंट ऑफ द होल सोशल यूनिट फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड कम्युनिटी। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं पर शिक्षा ये कर सकती है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, देखिए जब हम राष्ट्र के प्रति एकीकरण होगा, राष्ट्र को हम एक समझेंगे, फिर हमको ये सिखाया जाए कि सभी राष्ट्र तो इसी तरीके के हैं और एक तरीके से हम एक ग्लोब का हिस्सा हैं, तो हमको इंटरनेट मतलब अदर कंट्रीज के प्रति भी सौहार्द की भावना हो, यही इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन ही वन स्टेप अहेड जाता है तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। गिवन द ग्लोबल नेचर ऑफ द चैलेंजेस फेसिंग हायर एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पीस बिल्डिंग एंड इंटेलेक्चुअल सॉलिडेरिटी हैव नेवर बीन मोर इंपॉर्टेंट अवर टू अवर कॉमन फ्यूचर, इंडीड टू अवर वेरी सर्वाइवल। तो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल नेचर आ गया है, मतलब जो जो वैश्विक चुनौतियां आ गई हैं इस 21st सेंचुरी में, उसने और ज्यादा इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को मतलब बल दे दिया है कि ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। द टर्म इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग वॉज टेकन टू मीन लर्निंग अबाउट एंड डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अदर नेशंस एंड पीपल्स, यानी कि हमको क्या सीखना है कि जो अदर जो अलग राष्ट्र हैं, दूसरे लोग हैं, उनके प्रति भी हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट पीस स्टडीज बिगेन टू इमर्ज एज ए फील्ड ऑफ इंक्वायरी, और इसी कंटेक्स्ट में पीस स्टडीज एक नया विषय उद्भव हुआ है, पीस स्टडीज, है ना। फिर अकॉर्डिंग टू ओलिवर गोल्डस्मिथ, अगर हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की डेफिनेशन देखना चाहें तो ओलिवर गोल्डस्मिथ इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज ए फीलिंग दैट द इंडिविजुअल इज नॉट ओनली ए मेंबर ऑफ हिज स्टेट बट ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ये भावना हो अंतरराष्ट्रीय समझ में कि हम सिर्फ अपने राज्य के हिस्से नहीं है बल्कि हम पूरे पूरे संसार में हम एक मेंबर हैं और पूरा संसार एक राष्ट्र है ना। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल्टर एच सी ल्यूबिस ये कहते हैं कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व क्रिटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली, यानी कि हम तार्किक रूप से और ऑब्जेक्टिवली हम मतलब हम ऑब्जर्व कर सकें एंड अप्रेज द कंडक्ट ऑफ मैन एवरीवेयर टू ईच अदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ कल्चर टू विच दे मे बिलोंग, यानी कि किसी भी जगह कुछ हो रहा है तो हम उसको क्रिटिकली और ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करें, ये नहीं कि चूंकि हमारे देश में हो रहा है तो सही है, आपके देश में हो रहा है तो गलत है, ऐसा नहीं। टू डू दिस वन मस्ट बी एबल टू डिटैच वन सेल्फ फ्रॉम वन्स ओन पर्टिकुलर कल्चरल एंड नेशनल प्रिजुडिसेस एंड टू ऑब्जर्व मैन ऑफ ऑल नेशनैलिटीज कल्चर्स एंड रेसेस एज इक्वली इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ ह्यूमन बींग इनहेबिटिंग दिस अर्थ, ये तब हो पाएगा जब हम ये माने कि जितने भी और लोग हैं वो सभी इसी अर्थ के निवासी हैं, वो दूसरी वैरायटी हो सकती है, हम अपने प्रेजुडिसेस से ऊपर उठ के देखेंगे तब देख पाएंगे इस तरीके से, ठीक है।
यूनेस्को का बहुत काम है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पे. यूनेस्को हैज स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल इंटरकल्चरल एंड इंटर रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग एंड द डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस थ्रू आउट इट्स एंटायर हिस्ट्री. इसके प्रीएम्बल में भी लिखा है कि सिंस वॉर बिगिंस इन द माइंड ऑफ मैन, इट इज द माइंड ऑफ मैन दैट डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड. वो कह रहे हैं चूंकि जो युद्ध की बात है वो भी तो हमारे मन में ही उत्पन्न होती है ना, तो शांति की बात क्यों नहीं, मतलब शांति की बात भी मन में उत्पन्न कराई जा सकती है. द वाइड डिफ्यूजन ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर जस्टिस एंड लिबर्टी एंड पीस आर इंडिस्पेंसेबल टू द डिग्निटी विच ऑल द नेशनल मस्ट फुलफिल इन ए स्पिरिट ऑफ नेचुरल असिस्टेंस एंड कंसर्न. ये अपने प्रीएम्बल में यूनेस्को कहता है, एजुकेशन शुड बी इन्फ्यूज विद द एम्स एंड पर्पसेस सेट फोर्थ इन द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को एंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली आर्टिकल 26 पैराग्राफ 2 ऑफ द लास्ट named, which states, कह रहे हैं कि शिक्षा इस तरीके की हो जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो बात कही गई है उसको फुलफिल करे, जो यूनेस्को के कॉन्स्टिट्यूशन को फुलफिल करे, जो UDHR है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकारों का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसको समझे, उसको परिपूर्ण करे. उसमें से भी पैराग्राफ 2 क्या कहता है, एजुकेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, इट शैल प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप अमंग ऑल नेशन racial or religious groups and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. इस तरीके की शिक्षा हो, है ना, जो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे, जो ह्यूमन राइट्स के प्रति रेस्पेक्ट को स्ट्रेंथन करे, जो फंडामेंटल फ्रीडम को स्वीकार करे, जो अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करे, टॉलरेंस एंड फ्रेंडशिप यानी कि हमारे अंदर समझ हो दूसरे राष्ट्रों के प्रति, हम उनसे मित्रता का भाव रखें, हमारे अंदर सहनशीलता हो सभी रेशियल रिलीजियस ग्रुप्स के लिए, है ना. ये कह रहा है कि इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए. तो एजुकेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो क्या करेगा एजुकेशन, क्या करना चाहिए उसको, एजुकेशन शुड इंक्लूड, मतलब शिक्षा को अपने अंदर समाहित करना चाहिए क्या, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नेचर अंडरलाइंग द कंट्राडिक्शंस एंड टेंशंस बिटवीन कंट्रीज टुगेदर विद स्टडी ऑफ वेज ऑफ ओवरकमिंग दीज कंट्राडिक्शंस विच आर द रियल इंपेडिमेंट्स टू अंडरस्टैंडिंग ट्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस. यानी कि जो भी वो भाव हैं, जो भी वो बातें हैं जिनसे कोई कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है उसके उसकी क्रिटिकल एनालिसिस की जाए और ये शिक्षा हमको ये क्रिटिकल थिंकिंग सिखाए कि हम जान पाएं कि वो टेंशन्स, वो कंट्राडिक्शंस के अंडरलाइंग नेचर क्या है और हम उसको ओवरकम कर पाए, है ना. तो क्या क्या शिक्षा को करना चाहिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एडिक्वेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पहले तो दीजिए बच्चे को, उसको पर्याप्त ज्ञान हो तो वो खुद ही समझ जाएगा कहाँ गलत कहाँ सही. कल्टीवेटिंग क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग हमारे अंदर होनी चाहिए जैसे हम किसी भी चीज़ को क्रिटिकली ऑब्जर्व कर सके, कह रहा है ना कि क्रिटिकली और ऑब्जेक्टिवली हमको ऑब्जर्व करना है. डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि कुछ लोग होते हैं उनका हर चीज़ के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होता है, तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है. शिक्षा को ये सिखाना है कि कैसे शिक्षक करिकुलम के थ्रू, ट्रांजेक्शन के थ्रू पढ़ाने में इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सके, इंक्लूडिंग पैट्रियोटिक सेंस, और वो पैट्रियोटिज्म भी नैरो ना हो, ब्रॉड पैट्रियोटिज्म, पूरा पूरे ग्लोब के लिए पैट्रियोटिज्म होना चाहिए हमारे अंदर. डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंड कॉस्मोपॉलिटन फीलिंग, ये अगर एजुकेशन कर सका तो एजुकेशन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर पाएगा और ऐसा होना चाहिए. शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय समझ, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को विकसित करने में अपना योगदान देना चाहिए. ओके, तो शिक्षा को हम लोगों ने कौन कौन से एम पढ़ लिए, नॉलेज एक्विजिशन का एम पढ़ा कि ज्ञान अर्जन शिक्षा का उद्देश्य है, कैरेक्टर बिल्डिंग शिक्षा का उद्देश्य है, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर नहीं है बल्कि वो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, मॉरल कैरेक्टर, सिविक कैरेक्टर और परफॉर्मेंस कैरेक्टर है. उसी तरीके से आपका ट्रेनिंग फॉर सिटीजनशिप, जिसमें से कि NEP 2020 ने भी अब तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात कर दी है, तो वो एक नया इंक्लूजन हो गया इसमें. फिर नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, और वही आगे बढ़कर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाता है. और शिक्षा को ये सब करना चाहिए, और जैसे ही चूंकि ग्लोबल हो गया है वर्ल्ड, इतना ज़्यादा इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग तो मस्ट है शिक्षा के लिए. ओके, सो इन दिस वे आई हैव कम्प्लीटेड ऑल योर एम्स ऑफ एजुकेशन विच हैज बीन गिवन इन योर सिलेबस. Okay, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.